अगर आप अपनी जाति से पूरी तरह से अलग हो जाएं, तो आप बिल्कुल खुद पर निर्भर होंगे। अगर कुछ गलत हो तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। मैं बस एक दिन घर आया और पिताजी से बोला, मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूं। वे बोले, वो कौन है? मुझे सिर्फ उनका पेट नेम पता था। फिर उन्होंने पूछा, उसके पिता कौन है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वो किस जाति की है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। क्या तुम उनकी जाति भी नहीं जानते? तो मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हूं, क्योंकि आजकल माता पिता कई पहलुओं में अपने बच्चों के लिए खुले विचार रखते हैं। हालांकि जब इंटरकास्ट मैरिज की बात आए तो लोग आज भी पुराने ख्यालों के हैं और वे एक ऐसी लकीर खींच देते हैं जिसे बच्चे पार नहीं कर पाते। क्या ऐसा सिर्फ समाज के डर की वजह से है? जैसा कि कहा जाता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो युवा होने के नाते हम माता पिता को मनाने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें इस सामाजिक डर से बाहर ला पाए? देखिए, डर शायद सिर्फ इस बारे में ना हो कि कोई क्या कहे। हमें जाति व्यवस्था को समझना होगा कि वो है क्या। इससे पहले कि मैं ये कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि ये बात कभी मेरे मन में आती ही नहीं है। तो मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप खुद को एक जाति का मानते ही क्यों हैं और फिर दूसरी जाति से जुड़ना चाहते हैं। जब मैं युवा था, अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो मुझे जाति की परवाह ही नहीं थी। मैंने कभी नहीं पूछा। ये मेरे साथ वाकई हुआ। मैंने अपनी पत्नी से कभी नहीं पूछा कि उनकी जाति क्या है। मैं बस एक दिन घर आया और पिताजी से बोला, मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूं। वे बोले, वो कौन है? मैंने उनका नाम बताया। मुझे सिर्फ उनका पेट नेम पता था, उनका पूरा नाम भी नहीं पता था, क्योंकि मैं उन्हें वही बुलाता था। फिर उन्होंने पूछा, उसके पिता कौन है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वे बोले, क्या तुम्हें पिता का नाम नहीं पता और तुम उससे शादी कर लोगे? मैंने कहा, मैं बस इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। मुझे उनके पिता से शादी नहीं करनी, ना ही उनकी संपत्ति से, ना खानदान से। मैं बस लड़की से शादी करना चाहता हूं। वो किस जाति की है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। क्या तुम उनकी जाति भी नहीं जानते? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो लोगों ने मुझे बताया है उसके अलावा मुझे खुद अपनी जाति कहीं महसूस नहीं होती। मैंने खुद को हर ढांचे से अलग कर लिया है। मैं किसी भी ढांचे में नहीं हूं। तो मैंने उनकी जाति भी नहीं पूछी। तो मैंने बस अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, बस। वो बोली, बस ऐसे ही? कोई गवाह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, फूलमाला भी नहीं? मैंने कहा, देखो, कोई भी गवाह मुझ पर कोई बात नहीं थोप सकता। When I say something, that's it. जब मैं कुछ कहता हूँ तो बस, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो, बस हो गया। तो मैंने आकर सभी को बता दिया कि मैंने शादी कर ली है। वे बोले, कब, कहाँ, कैसे? आप उसकी चिंता ना करें, ये मेरी पत्नी है, बात खत्म। तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद को एक जाति का क्यों मानते हैं और फिर दूसरी जाति से जुड़ना चाहते हैं? जरूरी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक स्थिति की वजह से इस देश में जाति व्यवस्था लंबे समय से इसीलिए मौजूद है क्योंकि कौशल सिखाने का यही एकमात्र तरीका था। मान लीजिए आपके पिता सुनार हैं, वे आपकी शादी एक अन्य सुनार से ही करेंगे, क्योंकि बचपन से आपने सुनार की मदद की है। आप जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। मान लीजिए वे आपकी शादी लोहार से करा देते हैं तो आप उस घर में जाकर परेशान हो जाएंगे और आप उस बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान सिर्फ परिवार के जरिए ही दिया जाता था। आज हम नहीं जानते कि इनके पिता क्या करते हैं, पर ये इंजीनियर बन गए हैं। हम नहीं जानते कि आपके पिता क्या करते हैं, पर आप बायोलॉजी के क्षेत्र में हैं, क्योंकि हमारे पास संस्थाएं हैं जो शिक्षा देती हैं। जब वो संस्थाएं नहीं थीं और सिर्फ परिवार में शिक्षा मिलती थी, तब हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने वो बनाए रखा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जाति व्यवस्था के एक हिस्से का अब कोई मतलब नहीं है। लोगों के जाति से जुड़े रहने का एक और कारण ये है कि देश में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अगर कल आपके जीवन में कुछ गलत हो जाए, आपने किसी अजनबी लड़के से शादी कर ली और आपके जीवन में कुछ गलत हो गया, आप बीमार हो गए, वो बीमार हो गया, दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया,
अब आप सिर्फ अपनी जाति वालों से मदद मांग सकते हैं। आप किसी और के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो वो अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपको अपनी जाति के पास जाना होगा। अगर आप कहेंगे मैं इस जाति का हूँ तो वो कहेंगे आइए हम आपके लिए कुछ करते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा है जो आज भी मौजूद है। शहरी इलाकों में शायद इससे फर्क नहीं पड़े क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस वगैरह है, लेकिन गाँव में अगर आप अपनी जाति से पूरी तरह से अलग हो जाएं, तो आप बिल्कुल खुद पर निर्भर होंगे। अगर कुछ गलत हो तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये सामाजिक सुरक्षा का सिस्टम है। इसकी चिंता मत कीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज से जाति खत्म हो जाएंगी। अगर आप एक उचित सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा सिस्टम बनाएं, तो जातियां स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगी। किसी को उन्हें मिटाना नहीं पड़ेगा, वो बस गायब हो जाएंगी।